प्रभु राम की नगरी अयोध्या में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर जाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 3 पथ का निर्माण कराया था, जिसमें सबसे लंबा राम पथ तो दूसरा जन पथ था तो तीसरा पथ भक्ति पथ शामिल था। इन सभी पथ पर हाईटेक लाइटिंग भी लगाई गई थी। खास बात यह है कि राम पथ के किनारे तो पेड़ों पर लाइटिंग की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या रात में भी दिन जैसी महसूस हो। लेकिन अयोध्या में एक ऐसा मामले सामने आया है जो लोगों को हैरान कर देने वाला है। दरअसल राम पथ और भक्ति पथ पर लगे 3800 बंबू लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट की चोरी हो गई है। यश एंटरप्राइजेस के कर्मचारी शेखर शर्मा ने अज्ञात के खिलाफ राम जन्मभूमि थाना में चोरी का मामला दर्ज कराया। राम पथ पर 6400 बंबू लाइट लगाया गया था। इसके अलावा भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट भी लगाई गई थी, जिस चोर चोरी कर आसानी से फरार हो गए। धर्म की नगरी अयोध्या में ये मामला चर्चा का विषय बन गया। ये लाइटें अयोध्या विकास प्राधिकरण के तहत यश एंटरप्राइजेस और कृष्णा ऑटोमोबाइल द्वारा स्थापित की गई थी। ये घटना तब प्रकाश में आई जब ठेकेदार ने 9 अगस्त को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि ये चोरी मई में ही हो चुकी थी, लेकिन मामले की FIR 2 महीने बाद दर्ज कराई गई। हालांकि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व की प्राचीनतम नगरी में से एक अयोध्या को सुंदर नगरी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद यही वजह है कि रात को भी अयोध्या भव्य दिखे। इसके लिए हाईटेक लाइटिंग लगवाई गई थी, लेकिन राम की नगरी में चोरी की घटना लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अयोध्या पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अभी तक इस चोरी के पीछे कौन है इसका कोई सुराग नहीं मिला। अयोध्या में इस तरह की चोरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, खासकर तब जब अयोध्या को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बड़े पैमाने पर सजाया जा रहा था। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।